सहज रेडी है स्कूल जाने के लिए। वो बस का वेट कर रहा है, उधर चला गया है पाली साइड। तो इधर हस्बैंड निकाल रहे हैं ऑटो बाहर साफ करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ नहा करके, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ मैं। तो गाइज मैं दूध को देख रही थी स्मेल लेकर के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, मैंने इनको देना था। तो मैंने रोटी जल्दी जल्दी बना ली थी। सो गाइज गुड मॉर्निंग, ये कर रहे हैं नाश्ता और मैं नहा के सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। आज हमारे लाइट भी रात की नहीं थी लाइट, अंदर वाले जो हमारा कनेक्शन है ना, अंदर वाला मीटर है वो अलग है, दुकान वाला अलग है। तो दुकान में लाइट है तो शुक्र है भगवान का, लाइट दुकान में तो है, नहीं तो सारा दिन गर्मी में मैं यहाँ पे जल जाती, पिघल। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कल वाले वीडियो में कि हम अब चाय नहीं पियेंगे आज के बाद, तो हमने सच में चाय नहीं पी है, इनका दूध मैंने गर्म कर दिया है तो मैं तो दूध पीती नहीं। तो गाइस ये खा रहे हैं रोटी, मैं भी खा लूँगी रोटी पर मुझे अभी भूख नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं बैठी हूँ दुकान में, ये भी जा चुके हैं, 8:30 बजे चले गए थे, और गाइस दुकान की लाइट भी चली गई है, अब दोनों लाइटें खत्म। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने विंडो खोल रखी है इधर से, क्रॉसिंग होती रहती है, इधर से हवा आती है अंदर थोड़ी थोड़ी, अभी भी आ रही है, तो दरवाजा भी खुला ही रखा हुआ है। मैं दुकान में ना लेटी हुई थी अभी, एकदम से ना मुझे जैसे पिछले हफ्ते भी मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मेरे को ना घबराहट सी होने लग जाती है अचानक ही, ऐसे हो रहा था मुझे ना, जैसे नींद सी आ रही थी तो मैं लेट गई, कोई आता है ना एकदम से आँख खुल जाती है मेरी, तो मुझे ना थोड़ी देर बाद ना घबराहट होने लगी गई थी, तो मैं एकदम से उठी। मेरा सिर भी भारी है और पूरी बॉडी में ना ऐसे होता है जैसे ना हाथ पैरों में ना जैसे करंट सा लगता है, ऐसे हल्का हल्का सा फील होता है ऐसे ना हाथों में भी और पैरों में भी। वैसे तो मैं होम्योपैथिक की दवाई ले लेती हूँ, मुझे उससे फ़र्क भी पड़ जाता है, तो मैंने ना मैं अकेली थी, मैं डर जाती हूँ गाइस जब मैं अकेली होती हूँ, तो फिर क्या हुआ गाइस, मैंने पहले दवाई लेके आई उधर से, तो हाथ में हाथ पैरों में एकदम से पसीना आ गया, मैंने इनको फ़ोन लगाया, बोल रहे थे दवाई ले लो। तो गाइस मैं अकेली ना डर जाती हूँ, मैं अकेली होती हूँ अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो अभी भी ना मेरे सिर में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे इतने साल हो गए ऐसे ही, मैं पहले गाइस ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी, मेरी बहुत सेहत अच्छी थी, मेरी सेहत अब तो मैं बहुत ज़्यादा पतली दिखती हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, ऐसे मेरा सर घूम सा रहा है, अकेले डर तो लगता है ना गाइस। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मन इधर का उधर चला जाएगा, तो मैं ज़्यादा सोचती भी हूँ शायद तभी भी होता है ऐसे। 3:30 बज चुके हैं, सहज आ गया है स्कूल से, तो गाइस आपको मेरी आंखें दिख रही होंगी क्योंकि मेरा अभी भी सर भारी है, मेरी तबीयत पहले से कुछ ठीक है, ऐसे भी नहीं बोलती कि बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, जब एकदम से तो ज़्यादा घबराहट होने लगी थी मुझे, उसके बाद जब मैंने दवाई ले ली थी तो अब जब से ठीक हूँ तो फिर वीकनेस सी हो रही है, तो मैंने सेल को खाना दे दिया है। वो क्या हुआ मेरे साथ, कई बार हो चुका है ऐसे ही, एक बार नहीं कई बार हो गया, मैं लगाने लगी चावल को तड़का, सब्जी तो बनी हुई थी, सहज तो सब्जी से रोटी ही खाएगा मेरे को पता था, चावल खाने का मन था मेरा, मेरा मन कर रहा था चावल खाने का, तो मैं सोचा चलो थोड़े से चावल बना लेते हैं, तो सहज मैं भी कम ही खाती हूँ वैसे ही, पता नहीं कैसे आज मन कर गया तो बना लिए थोड़े से। तो जब गाइज मैं तड़का लगा रही थी तो क्या हुआ, इधर से ग्राहक आ गया दुकान में, तो मैं गैस तो कम ही था, तो क्योंकि प्याज जो थे वो थोड़े कम थे, तो मैं
मैं उधर गैस कम भी करके आ गई तो इधर मेरे को 5 मिनट लग गए, उधर प्याज सारे के सारे जल गए गाइस, मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने दोबारा से चावल बनाए और फिर दुकान में बैठ करके खा लिए। गाइस मैंने यहाँ पे तोड़ी अपनी क्यारी में से भिंडी। तो गाइस इन्होंने हमारी स्कूटी स्टार्ट की, बहुत ग्रेट मैन है, ग्रेट मैन। अभी हम चलते हैं। दवाई भी लेनी है, जो हमारे गांव में ही है डॉक्टर, तो उनकी दवाई मुझे लग जाती है क्योंकि होम्योपैथिक की दवाई है। तो गाइस सहज कल भी नाराज़ हो गया था मेरे साथ, तो आपको पता ही है बच्चे जब नाराज़ हो जाते हैं तो मनाने बड़े मुश्किल हो जाता है इनको। तो गाइस फिर आज भी मैंने बहुत सोचा कि जाऊँ ना जाऊँ, इसके पापा तो बोल रहे थे मैं ऐसे बोलता हूँ कि बारिश लगी हुई है तो सहज वहाँ पे तो पानी बहुत खड़ा हुआ है शहर तो मत जाओ, तो मैंने फिर भी सोचा कि नहीं बच्चा है क्यों ऐसे बोलना। तो गाइस मैं फिर भी आई, बच्चे का मूड होता है तो इसका मूड, पर मैंने इसको पूछा क्या लेना है तो ये बोला था लेना कुछ नहीं है बस घूमने जाना है। चलो जी मैंने तो चप्पल लेने के लिए थोड़ा बहुत कुछ और भी लेना था वो बताएंगे आप। सो गाइस मुझे काफ़ी टाइम हो गया था कहते हुए कि मैंने शूज़ लेने हैं शूज़ लेने हैं, तो आज मैं पहुंच ही गई शूज़ लेने भी, क्योंकि सैर करने जाया करेंगे फिर। मैंने आयरन की कढ़ाई भी लेनी थी तो मैं ये देख रही थी, यहाँ पे साइज़ देख रही थी कितना हमारे लिए सही होगा। शॉपिंग कर ली है हमें, हमने तो बाहर ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है गाइस। सो गाइस हम आ गए हैं घर, मेरी तबीयत में ठीक नहीं है, मैं मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत। सो गाइस यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।